पवित्र आत्मा जो है उनको मिलता है जो भिन्न भिन्न भाषाएं यानी अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं। बहुत से लोग मुझसे भी कहते हैं पास्टर आप अन्य भाषा बोलते हैं, कहता नहीं, इसका मतलब आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला। पवित्र आत्मा के वरदान बहुत है, परंतु सिर्फ अन्य भाषा को इतना फोकस करते हैं कि अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं। मैं एक रेफरेंस पढ़ाना चाहूंगा आपको। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात करेंगे हाथ रखने के द्वारा पवित्र आत्मा पाना। थोड़ा सा मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम एक मसीह परिवार से आते हैं और काफी वर्षों से हम मसीह खानदान से जुड़े हुए हैं और अपने आप को मसीह कहते हैं, अपने आप को मसीह का चुना हुआ कहते हैं, बहुत सी चीजें हैं, मगर इसके बावजूद भी कुछ अगर बताया जाता है, कुछ समझाया जाता है, वो भी वचन के द्वारा, और वचन से आपको एक्सप्लेन किया जाता है। बहुत से लोग जो है आर्गुमेंट करते हैं। अभी मैंने वीडियो डाला था पवित्र आत्मा के ऊपर और उसमें ये कहा था कि पवित्र आत्मा जो है, बहुत से लोग कहते हैं पवित्र आत्मा बांटते हैं, लो पवित्र आत्मा लो, आ जाओ पवित्र, हाथ हिलाते हैं वो पवित्र आत्मा पा जाते हैं, कपड़े हिलाते हैं वो पवित्र आत्मा पा जाते हैं। इसके ऊपर मैंने कहा था कि ये जो चीज है वो गलत है। किसी ने मेरे को कमेंट किया और उन्होंने एक रेफरेंस दिया और जो रेफरेंस उन्होंने दिया, मैं उस रेफरेंस को देखकर बड़ा भौचक्का सा रह गया कि ये क्या रेफरेंस इन्होंने दिया है। प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 6 पद उन्होंने दिया और मैं आपके लिए वो रेफरेंस दो हूं, पढ़ देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 6 पद, तब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। अब यहां पर उन्होंने उदाहरण दिया कि देखो पौलुस ने भी हाथ रखे और वो जो थे उनके हाथ, पौलुस के हाथ रखने से उन्होंने पवित्र आत्मा पाया और वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे, मगर यहां पर ऐड भविष्यवाणी भी है कि वो भविष्यवाणी भी करने लगे। लोगों को जो है हाथ रखने का मतलब नहीं पता है कि हाथ रखना कहते किसे है, हाथ रखने का मतलब क्या होता है। चलिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं पौलुस के इसी बात के ऊपर कि पौलुस जो है तिमिथियों को पत्र लिखता है और उसमें एक बात का वर्णन करता है। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि ये जो प्रेरितों के काम 19 अध्याय और उसका 6 पद है, इसमें 4 बातें हैं। कौन सी 4 बातें हैं? पौलुस ने उन पर हाथ रखे, नंबर 1 बात। दूसरी बात, उन पर पवित्र आत्मा उतरा। तीसरी बात, वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। और चौथी बात, वे भविष्यवाणी भी करने लगे। ठीक है, ये 4 बातें हैं, जरा ध्यान में रखिएगा इन 4 बातों। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कि पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखे। हाथ रखने के विषय में है, मैं जैसा अभी बता चुका हूं, वर्णन कर चुका हूं कि पौलुस जो है तिमिथियों की पत्री में हाथ रखने के विषय में तिमिथियों को एक पत्र लिखता है, तिमिथियों के पत्र लिखकर उसको एक बात समझाना चाहता है। क्या समझाना चाहता है? पहला तिमिथियों 5 अध्याय उसका 22 पद है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहां लिखा हुआ है, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना और दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रखना। पौलुस यहां पर तिमिथियों को पत्र लिखता है, तिमिथियों को एक बात समझाना चाहता है कि देख शीघ्र यानी बड़ी जल्दी से किसी के ऊपर हाथ मत रखना, हाथ रखने की क्रिया जो है एकदम से मत रखना कि किसी के ऊपर भी तू हाथ रखे और प्रार्थना करने लगे और हाथ रखे और पवित्र आत्मा मांगने के लिए प्रार्थना करने लगे। हर किसी, पौलुस जानता है कि हर किसी के ऊपर हाथ नहीं रखा जाता है, किसी के ऊपर भी हाथ रख दीजिए वो उसका जीवन कैसा है कैसा नहीं है, आप हाथ रख दे, लो भाई पवित्र आत्मा लो। बड़ा समझने की कोशिश कीजिए, वो उसको समझाना चाहता है कि वो पवित्र है या नहीं है, पहली चीज जो है यहां पर है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा का उतरना। देखिए पवित्र आत्मा का उतरना, वैसे बहुत कारण है पवित्र आत्मा के उतरने के, जो परमेश्वर जो है अपने लोगों को जब पवित्र आत्मा देता है तो उसके बहुत कारण है, परंतु मैं यहां पर मुख्य रूप से 2 कारण आपको देना चाहूंगा। पहला कारण है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अपने मकसद को
पूरा कराना चाहता है, नंबर एक बात। नंबर दो बात कि पवित्र आत्मा जो दिया जा रहा है उसके, पवित्र आत्मा जब उतरा और उसके द्वारा जो वरदान मिला वो हमारे जीवन में इस चिन्ह को प्रकट करता है कि परमेश्वर ने हमें अपने उद्धार के लिए या हमें अपने लिए भी चुन लिया है या अपनी संतान में हमें भी शामिल कर लिया है। ये चिन्ह भी होता है पवित्र आत्मा का उतरना और वरदानों से हमें भरना। किस वरदान से भर रहा है और उसका क्या है वो चीज है। अब यहां पर जो है मैं आपको एक रेफरेंस पढ़ाना चाहूंगा, भिन्न भिन्न भाषा। हम लोग अक्सर जो है एक बात करते हैं कि पवित्र आत्मा जो है उनको मिलता है जो भिन्न भिन्न भाषा यानी अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं। बहुत से लोग मुझसे भी कहते हैं पास्टर आप अन्य भाषा बोलते हैं, कहता नहीं, इसका मतलब आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला। ये नहीं है कि अगर आपको आपको अन्य भाषा नहीं आ रही है या आप अन्य भाषा में बात नहीं कर रहे हैं तो आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला। अब बहुत जल्दी ही मेरा अन्य भाषा के ऊपर भी वीडियो आने वाला है और मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूं पवित्र आत्मा के वरदानों के ऊपर। और पवित्र आत्मा के वरदान में जो विशेष वरदान है जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होती है अन्य भाषा के ऊपर, इसके बारे में भी आपको बहुत जल्दी वीडियो जो है वो प्राप्त हो जाएगा। परंतु अन्य भाषा के विषय में जो बहुत ज्यादा अन्य भाषा को फोकस करते हैं, पवित्र आत्मा के वरदान बहुत है परंतु सिर्फ अन्य भाषा को इतना फोकस करते हैं कि अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं। मैं एक रेफरेंस पढ़ाना चाहूंगा आपको, पहला कुरंतियों 14 अध्याय उसका 22 पद है। बड़ा ध्यान रखिएगा, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं परंतु परमेश्वर के वचन की उन सच्चाइयों को प्रकट कर रहा हूं और आपके समक्ष रख रहा हूं। आप समझे या ना समझे, या अगर आप समझते हैं तो आप पवित्र आत्मा आपको गाइड कर रहा है, और यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो इसका मतलब पवित्र आत्मा आपको गाइड नहीं कर रहा है, आपको संसार की आत्मा गाइड कर रही है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं पहला कुरंतियों 14 अध्याय उसका 22 पद। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। अब मुझे बताइए, मुझे तो नहीं मिला अनभाषी अनभाषा का वरदान, क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है कि मैं एक विश्वासी हूं और दृढ़ पूर्वक विश्वास करता हूं और प्रोफेसी में बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं, इसलिए भविष्यवाणी की पुस्तक के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं। वीडियो जो है डाले जा रहे हैं, बहुत से वीडियो भविष्यवाणी के ऊपर, खासतौर से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के ऊपर जो है वो आपने देखे होंगे। क्यों अन्य भाषा किसको मिल रही है? जो अविश्वासी है, जिनका विश्वास नहीं है प्रभु में, तो आ रहे हैं पता नहीं प्रभु हमें ग्रहण करेगा नहीं करेगा, पता नहीं प्रभु हमें पवित्र आत्मा देगा नहीं देगा, पता नहीं प्रभु हमें अपने पवित्र आत्मा के वरदान से भरेगा नहीं भरेगा। तो परमेश्वर जो है उन्हें पवित्र आत्मा देता है, जो अन्य भाषा है वो उस वरदान से भरते हैं, और जब वो अन्य भाषा में सुनने लगते हैं, अन्य भाषा को समझने लगते हैं, अन्य भाषा में बात करने लगते हैं, तो वो खुश होते हैं, आनंदित होते हैं कि प्रभु ने हमें भी अपनी संतान होने के लिए चुना है। उनका विश्वास बढ़ता है उन अविश्वासियों का। तो अन्य भाषा किसके लिए है? अविश्वासियों के लिए। अब सवाल यहां पर ये होता है, आप विश्वासी हैं या अविश्वासी हैं? पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए, अगर आप विश्वासी हैं तो आपको भविष्यवाणी करना चाहिए। वो कहता है ना, विश्वासियों के लिए भविष्यवाणी का वरदान परमेश्वर ने रखा हुआ है। और यदि आप अविश्वासी हैं तो आप पवित्र आत्मा को पाने की कोशिश, वो अन्य भाषा को पाने की कोशिश कीजिए। और अन्य भाषा क्या है ये आने वाली वीडियो में आपको पता लग जाएगा। अन्य भाषा के ऊपर जो वीडियो मैं डालने जा रहा हूं उसमें आप देखेंगे कि आजकल ये जो अन्य भाषा बोली जा रही है ये अन्य भाषा है या कोई और भाषा है, मेरे आने वाली वीडियो में आप इसको देखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस भाई ने प्रेरितों के काम 19 अध्याय 6 पद मुझे दिया उस पे कि पौलुस ने हाथ रखे और वो अनन पवित्र आत्मा उतरा और वो अनन भाषा बोलने लगे, मगर अभी मैंने कहा ना कि अन्य भाषा जो है जो वो किसके लिए चिन्ह है? अविश्वासियों के लिए। अब यहां पौलुस क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, अब पूरा नहीं पढ़ते हैं हम लोग।
प्रेरितों के काम 19 अध्याय 1 से 7 पद तक पढ़े आप। यहां क्या लिखा हुआ है, सबसे पहली बात, पहला पद पढ़ रहा हूं। जब अपॉलोस कुरिन्थियों में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। अब यहां पर सवाल क्या हो रहा है, सवाल सुनिए, पौलुस कह क्या रहा है, क्या तुमने विश्वास करते समय, सवाल है, विश्वास करते समय क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? वो कह रहे, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा नहीं करी। अब ध्यान दीजिएगा, अब वो दूसरी बात क्या कह रहा है। यहां लिखा पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। तीसरा पद में लिखा है, उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने यहां पर अब वो सवाल, दूसरा सवाल कर रहा है, तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा नहीं पाया, फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? देखिए, पवित्र आत्मा किसके साथ जुड़ा है? बपतिस्मे के साथ। बहुत ध्यान देने की बात है, पवित्र आत्मा जो है बपतिस्मे के साथ जुड़ा हुआ है। अब यानी उन्होंने पवित्र आत्मा जो है, बपतिस्मा तो ले लिया, परंतु उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला था, पवित्र आत्मा उनको नहीं पाया। अब देखिए पतरस क्या खड़े होके कहता है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब पवित्र आत्मा उतरा चेलों के ऊपर और वो अन्य भाषा बोलने लगे, और पतरस जो है वो खड़े होके प्रचार करने लगा। और क्या प्रचार करा, जब उसने प्रचार करना शुरू करा, जब उसने उपदेश देना शुरू करा, तो बहुत से लोगों के क्या हुए, हृदय छिद गए। अब क्या हुआ, यहां ध्यान दीजिएगा, 37 प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 37 और 38 पद पढ़ रहा हूं। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? अब देखिए पतरस उत्तर दे रहा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब क्यों नहीं मिला पवित्र आत्मा, क्योंकि उन्होंने तो पवित्र आत्मा की चर्चा ही नहीं सुनी। अब यहां लिखा है कि बपतिस्मा जो है, वो जो बपतिस्मा पाएगा, मन फिराए, अपने अपने पापों की क्षमा मांगे और उसके बाद बपतिस्मा ले, तब पवित्र आत्मा का दान मिलता है। और मरकुस में भी कहता है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पवित्र पौलुस क्या कह रहा है कि तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया, अब वहां कह रहे हमने पवित्र आत्मा की चर्चा नहीं सुनी। और मरकुस क्या कह रहा है, मरकुस कह रहा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। अब कैसे उद्धार होगा, क्योंकि उसे पवित्र आत्मा मिलेगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 38 पद में पत्रस इस बात को कह रहा है। तो वहां पर जो बात हो रही है, पौलुस जो बात कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि उसको आश्चर्य हो रहा है कि फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया। उन्होंने कहा यूहन्ना का, यूहन्ना तो मन फिराओ का देता था कि मन फिराना है अपने, मगर पतरस जो खड़े होकर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कह रहा है, मन फिराना है, अपने पापों से क्षमा मांगनी है और उसके बाद बपतिस्मा लेना है, और फिर जो है वो पवित्र आत्मा का दान मिलता है परमेश्वर की ओर से। अब हाथ रखने वाली बात जरा एक बार और हम चर्चा करते हैं। हाथ रखने की बात, मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, ये लगभग 3000 लोग थे जब पतरस खड़े होकर प्रचार कर रहा था। ये 3000 लोगों ने जो है उस उपदेश को सुना और उन्होंने बपतिस्मा लिया और वो प्रभु की कलीसिया में मिल गए। ये लगभग 3000 लोग थे, मगर इन 3000 लोगों पर जो है पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। अब ध्यान दीजिएगा, पवित्र आत्मा फिर क्या हुआ, प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 14, 15 और 16 पद पढ़ रहा हूं मैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 14 पद, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। 15 पद, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वे अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। ठीक है, अब 17 पद जरा ध्यान दीजिएगा, 17 भी पढ़ रहा हूं, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया।
अब यहां क्या है कि उन्होंने बपतिस्मा तो ले लिया, परंतु उन्होंने उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उन्होंने केवल यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया था, जबकि यीशु मसीह ने क्या कहा, जब मत्ती 28 अध्याय उसका 19-20 पद पढ़ेंगे कि जाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहां केवल उन्होंने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था, तो पवित्र आत्मा उनको नहीं मिला था। देखिए, जरा सी भी मिस्टेक होती है तो पवित्र आत्मा हमें नहीं मिलता है। तब पतरस और यूहन्ना जो थे वो गए, उन्होंने वहां लिखा प्रार्थना करी। शब्दों को सुनिए, सबसे पहले आया कि उन्होंने उनके लिए प्रार्थना करी कि पवित्र आत्मा पाए, और कैसे प्रार्थना करी, हाथ रखकर प्रार्थना करी। जब हाथ रखकर प्रार्थना करी, किससे प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से। किसके नाम से कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से। यानी यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांग रहे हैं, किसके लिए, उन लोगों के। उनके हाथ रखने से नहीं मिल रहा है पवित्र आत्मा। वहां पौलुस भी यही कर रहा है। पौलुस ने जब उनको बपतिस्मा दिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, तो पौलुस ने भी उनके ऊपर हाथ रखे और प्रार्थना करी, परमेश्वर से उनके लिए पवित्र आत्मा मांगा, तब मिला। और यहां क्या हो रहा है, हर किसी को नहीं दिया जाता है, यहां तो हर किसी को बांटा जा रहा है, छोटे से लेके बड़े तक को बांटा जा रहा है। महिलाएं आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, जवान आ रहे हैं, सबको। पूरा चर्च जो है चिल्ला रहा है, कूद रहा है, हिल रहा है, सब कुछ कर रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, परंतु यह समय बहुत नाजुक है। परमेश्वर का वचन भी कहता है, आप पढ़ लीजिएगा, और कई बार मैं इस बात को रिपीट कर चुका हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक, झूठे प्रेरित, ये उठ खड़े हुए हैं और बहुत बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह दिखाएंगे आपके बीच में। और लिखा हुआ परमेश्वर का वचन कहता है कि वो चुने हुए को भी भरमा देंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, बस मैं यही चाहता हूं और प्रभु भी यही चाहता है कि आप किसी के भरमाने में आकर अपनी आत्मिकता को, अपनी पवित्रता को ना खो दें, परमेश्वर के राज से वंचित ना हो जाए। देखिए, 25 मत्ती 25 अध्याय को पढ़िए, वहां पर 10 कुआरियां हैं, 1-11 तक पढ़ लीजिएगा। 10 कुआरियां, कुआरी का मतलब दसों पवित्र हैं, और दसों को इंतजार है प्रभु यीशु मसीह के आने का। दसों के पास लालटेन है, दसों आधी रात को ऊँगने लगी, दसों जो थी वो ऊँगने लगी, और जब आधी रात को धूम मची दूल्हे के आने की, तो दसों जाग गई और दसों अपनी लालटेन ठीक करने लगी, परंतु उनमें से 5 गई, 5 नहीं गई, क्योंकि वो मूर्ख थी। क्यों मूर्ख थी, यही आर्गुमेंट था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं समझा, परमेश्वर के वचन को नहीं सीखा, इसलिए वो परमेश्वर के राज से बाहर हो गई। और जब वो गई तो प्रभु ने साफ शब्दों में कह दिया, क्योंकि द्वार बंद हो चुका था, कि मैं तुम्हें नहीं जानता। बस मेरी इतनी सी इंटेंशन है कि हम सब परमेश्वर के राज में मिले, उस वचन की सच्चाई, और वचन के द्वारा हमारा लेखा जोखा जो है वचन के द्वारा लिया जाएगा, और किसी चीज के द्वारा नहीं लिया जाएगा, ये ध्यान रख। इससे पहले कि मैं खत्म करूं, एक बात और आखिर में बताना चाहता हूं, और वो बात यह है कि उस समय के लोगों के पास, आज जिस तरीके से हिंदी में, इंग्लिश में और उर्दू में, हर एक भाषा में परमेश्वर का वचन उपलब्ध है, नंबर एक बात। दूसरी बात, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, मीडिया पर, मीडिया आपके पास है, मोबाइल जो है वो एक मीडिया का काम करता है, बहुत से किताबें हैं, बहुत से सेवक जो हैं, जो सही माने में परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण होकर परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को पेश कर रहे हैं, और कुछ नहीं सुना रहे परमेश्वर के वचन की सच्चाई क्या है। वह आप बहुत कुछ जान, उस समय लोगों को के पास कोई भी सुविधाएं नहीं थी, आज हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, और इतनी सुविधाएं होने के बाद अगर हमारा ये हाल है तो हम उनसे बदतर हैं, बेकार के लोग हैं हम लोग। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सिर्फ परमेश्वर के वचन को सीखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप जो मैं सिखा रहा हूं वो सही है, मगर गहराई के साथ आप जो भी आपको मैं वचन सुना रहा हूं उसको गहराई के साथ समझने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, और ये जानिए कि वो सही है या नहीं है, परमेश्वर के वचन से है या नहीं है। और आपको अगर गलत लगता है तो मत मानिए,
मत आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उस समय न्याय होगा और सब पता लग जाएगा कि मैंने आपको गलत बताया है तो मैं नरक में जाऊंगा, और अगर मैंने आपको सही बताया है और आपने नहीं माना तो आप नरक में जाएंगे। फैसला आपके हाथ में, प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।